हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज शिवरात्रि, आप सभी लोगों को हैप्पी शिवरात्रि, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम सभी लोग जा रहे हैं बैजनाथ शिव मंदिर को, दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा रहता है हमारा आगे का सफर। सो गाइस देखिए, इतने सारे लोग आए हैं शिव मंदिर बैजनाथ में। हम लोग बैठ गए, अभी थोड़ी देर हम मेला वगैरह घूमे और अब इधर बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं इधर। 06 आ गया है गाइस। ये बैठी है हमारी ज्योति दीदी, एंड ये है हर्ष, एंड ये शिवाली का, और ये है अंकित, और ये दो दीदियां हमारे मतलब दीदी के गांव से आई हैं और हमसे बात करी, इधर बैठी हैं। दीदी हाय कर दो, हेलो कर दो, सारे कर दो हेलो। गाइस इधर बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो ये दीदियां बहुत बातें कर रही है हमारी दीदी से। ये आई हमारी दीदी आरती एंड अनु दीदी, आप जानते ही होंगे ये ब्लॉगर है अनु दीदी। बैठ जाओ दीदी, गाइस तो ये भंडारा खाने गई है। ये बहुत भुक्कड़ दीदी है और ये इनका नाम है भुक्कड़ दीदी, और ये भी साथ में, इन्होंने कोई व्रत नहीं किया है। हमारे दिल में श्रद्धा है, बस बस श्रद्धा कपूर है। तो गाइस ये मतलब इनके दिल में श्रद्धा कपूर बसी है और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। हाँ कैसी लड़की है, अब दोबारा खाने चल पड़ी है ये भंडारा। गाइस देखो कितनी भूखड़ दीदी है, है पतली, ये दीदी पतली है, दीदी मोटी, लेकिन खाती इतना है ना आप पूछो मत। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है मंदिर, बताएंगे गाइस ये आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये हमारी गैंग बैंग बैठी हुई है इधर। ये मेरे भाई बहन अब इनकी बातें सुनते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। अभी भी खाने की बातें लगाई हैं, मेरे को लग रहा है इन्होंने ये देखो अब भंडारा लगा रही है। इन्होंने क्या भंडारा लगाने, इन्होंने तो खुद ही खा जाना सारा है। बोल रही है कि फास्ट फूड की दुकान लगाएंगे, पर मुझे तो लगता है खुद ही खा जाएंगे। लगाएंगे कम खाएंगे ज्यादा। हाँ तो कितना खाना इधर खाना बता, बदतमीज क्या हुआ आपको दीदी, आपको क्या हुआ दीदी को हाथ में लग गई है। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी, भीड़ लगी थी, इसलिए हम नहीं गए अंदर। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सजावट की है, रात को बहुत अच्छा लगता है ये, रात को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। मेरे शिव जी का मंदिर, शिव सबका मंदिर है ये, शिव जी का। गाइस इधर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं, गाइस अब मैं बोल बोल के थक गई हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ओनली आपको बताऊंगी कि क्या क्या कर रहे हैं ये। अब देख लो इनकी बातें, क्या बातें लगी इनकी, दीदी क्या बातें कर रहे हैं आप, सब्सक्राइबर की भीख मांग रहे हैं, तो गाइस कर दो सब्सक्राइब। ये दुखी आत्मा गाइस, ये देखो ये दुखी आत्मा, हमारा ब्लॉग खराब कर दिया। हाँ क्यों मार रही है मेरे फोन के ऊपर, क्यों किया हमारा ब्लॉग खराब, ये दिमाग इनका तो दिमाग ही नहीं है, दिमाग क्या। मेरी तो बस शट अप, देखी देखी बार बार ही मेरे को बड़ी ही इतना ज़ूम कर दूंगी ना। हम लोग अभी गपशप मार रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ ये बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
तो गाइस अब ये फोटो शूट हो रही है, फोटो खींच रहे हैं ये, हम लोगों ने खींच लिए, ये लोग अभी तक खींच रहे हैं ये आरती। इनका दिल नहीं भरता कभी फोटो खींचने से, हजार बार आएंगे इधर, हजार बार ये इधर फोटो खींचे तभी भी इनका दिल नहीं भरता है। तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है अमृता, क्यों जोर से बोल, क्योंकि तुझे पता जोर से कैसे बोलूं मैं, गाइस आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज पहले यहाँ पर बहुत, गाइस उनको बोलो चलो, गाइस यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा सुंदर पार्क हुआ करता था, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन झाड़ियाँ थी पर अब तो बिल्कुल ही काट दी है, और यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि पार्क को और अच्छे तरीके से बनाना है, काम वगैरह होना है शायद, अभी तो यहाँ पर बजरी और रेते रखे हैं। देखो पहले इतना सुंदर पार्क था और अब क्या हो गया है, हम काफी टाइम के बाद आए इधर और अजीब जैसे लग रहा है, पूरा पार्क का क्या बना दिया है, पर रास्ते पहले से अच्छे हो गए। अमृता बोल रही है कि मुझे खाना पहुंचा दो, भूख लगी है ना गाइस, मेरे को भूख लगी और खाना पहुंचा दो और मुझे बहुत भूख लगी गाइस, प्लीज व्रत रख है इसको, फिर बोल रही है भूख लगी है, इसे रख ले, मैंने खाया लेकिन मेरे को कुछ ऐसा खाना है, मेरे को जाएंगे वो फ्रंट कैंप, हां इधर से दिखाते हैं मंदिर, मंदिर देखिए कुछ नहीं दिखेगा, दिख रहा है वही, दिख रहा है पागल, गाइस देखो ये अंदर मंदिर, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी इस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, हम लेट आए थे ऊपर से, अगर हम लाइन में खड़े होते थे हमें तो रात ही हो जानी थी, अगर सुबह आ जाते जैसे 8 बजे या 9 बजे पहुंच जाते इधर तो हमने कर लेने थे दर्शन, हमने बाहर से किए दर्शन, गाइस हम मंदिर के अंदर नहीं गए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी और हम लोग बहुत ज्यादा लेट आए थे, अरे जल्दी बड़ी लगी है इनको, भगवान जी माता जी, जय हो, जय हो माता, चंडी महाकाली, जय हो चंडी महाकाली लिखा है, ये देखिए लाइन, लाइन बहुत बड़ी है आपको इधर से दिखेगी नहीं बट बहुत बड़ी लाइन, आगे से दिखाते हैं चलो, बहुत ज़्यादा बड़ी लगी है, अगर हम खड़े हो जाते इस टाइम तो हमने तो पता नहीं रात तक होने थे दर्शन, ये मंदिर वाओ बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया है, रात को तो और ज़्यादा सुंदर दिखता है, रुको 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 इधर से नहीं, अरे इधर से तो दिखेगा थोड़ा सा, अरे नीचे लोग ही दिख रहे हैं, मंदिर नहीं दिख रहा है, चलो मेरी फोटो खींचो, गाइस क्या करें हम आपको मंदिर अंदर से दिखा सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है इसके लिए सॉरी पहले से, हम फोटो वगैरह खींच लेते हैं ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग काफ़ी देर बैठे हैं यहाँ पर, हमने बात से किया दर्शन वगैरह, मेला भी घूमा और जिन जिन का व्रतन था उन्होंने तो चाउमीन मोमोज वगैरह जो खाए थे वो खा लिए हैं, ना सुबह से कुछ खाया नहीं और ना ही पिया है, मैंने तो पिया है पानी, इसने भी पिया कुछ भी आज के लिए अच्छा बोला, और अभी हम लोग वापिस जा रहे हैं तो वो मिलते हैं पालनपुर जाके ही अब आप लोगों को, ये देखिए ये रहा मंदिर, जब तक दीदी यहाँ से नहीं जाएगी तब तक दीदी ये मंदिर दिखाती रहेगी, मतलब कि मंदिर दिखाती रहेगी, तो क्या हो तो चलो बोलो, सो गाइज अभी हम लोग पालनपुर पहुँच गए हैं और अभी हम लोग रूम पहुँचने वाले हैं, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, तो ठीक है गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। गांधी जी के 3 बंदर, 2 मुँह छुपा के चले, 1 फोन चलाते हुए चलिए।